चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधि। सभी प्रबुद्ध साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। वी द पीपल समन संघ में सभी साथियों का स्वागत है। वी द पीपल हम भारत के लोग एक समूह जो सदियों से हमारा एक संघ होता था। हम संघ में बैठकर चादर बिछाकर जो है ना गांव में बैठते थे और ये सच्चाई है कि आज भी या गांव में एक पंचायत होती थी उस समय अपने अपने जो ना चादर दरी लेकर लोग बैठकर एक फैसला लेते थे। और ये भी सच है कि लोग जो है ना उस समय कोई नेता प्रधान नहीं होता था। जब जैसे ही मीटिंग बैठती थी मीटिंग में ही जो है ना एक आदमी का चुनाव होता था जो पूरी मीटिंग को चलाता था। ये गांव में मैंने खुद देखी है, मैंने पंचायत में होते हुए भी ये बात देखी है। तो उसी रूप में जो है ना संघ में फैसला लिया जाता था कि किसी के साथ जो क्या कोई जो है ना अत्याचार हो रहा है या कोई समाज में किसी भी बात पर चर्चा होती थी तो वो निर्णय लिया जाता था। उसी प्रकार वो समाज वो समूह काम करता था। तो उसी दृष्टि से देखते हुए तथागत बुद्ध ने भी जो है ना समन संघ को जो है ना आगे बढ़ाया और इस कंसेप्ट को तथागत बुद्ध ने भी माना कि इस संघ में रहकर जो है ना हम आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए संघ का कंसेप्ट आया। और वी द पीपल हम भारत के लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस देश में जितनी जातियां बनाई गई उसके बाद जातियों के साथ साथ 19 लाख संगठन जैसा कि सभी ने रजिस्टर्ड करवाए और इसमें लगभग 4 लाख से भी ज्यादा सक्रिय रूप से एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग संगठन के रूप में काम करते हैं। जैसा कि बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो संगठित रहो संघर्ष करो, हमें शिक्षित भी बने। संगठित का जहां मामला था तो लोगों के माइंड में ये आया कि शायद संगठन बनाने से बाबा साहब ने कहा है इसलिए लोगों के मन में भी आया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उस संगठन से क्या रिजल्ट आए। दबादब संगठन बनाए, हर आदमी ने अपने आप को प्रधानगी ली और जो है ना ये कंसेप्ट इसलिए आया कि वहां जो है ना बगैर पद के बगैर नेता के वो आदमी काम नहीं करता था। हमने जहां तक हमने पैसे के मामला है, पैसे से काम चलता है। कुछ साथी कहते हैं कि पैसे से क्या जो है बगैर पैसे कैसे काम चलेगा, बगैर पैसे काम नहीं चलेगा, ये सच है। लेकिन पैसे से लोगों ने अपनी दुकानें खोल ली और उस पैसे से जो समाज हित में काम करना चाहिए था उसको छोड़कर जो है ना अपना निजी हित जो है ना साधने लगे। इसलिए संघ में किसी प्रकार का जो है ना जैसा गुड मॉर्निंग पैसा नहीं लिया जाता। तो क्यों नहीं, इसलिए नहीं लिया जाता कि जैसा जो भी प्रोग्राम होता है उसी वक्त जो है ना जितना खर्च होता है जितने लोग उसमें शामिल होते उतने लोग मिलकर उस खर्चों को वहन करके खत्म कर दिया जाता है ताकि संघ के पास किसी प्रकार का लालच ना रहे या उसमें ये ना रहे बाद में कि कुछ पैसों को हम इधर उधर खर्च करें। इसलिए उसी दिन जितना पैसा चाहिए उसी दिन इकट्ठा किया, उसी दिन हम खर्च करके अपना काम आगे चल दिया। और संघ का कार्य यही है कि हम ओपन में काम करते हैं, मैं वहां किसी प्रकार का जो ना खर्चा कम से कम खर्चा हो ताकि किसी लोग पर बर्डन ना हो। इसलिए संघ ने यह फैसला भी लिया है कि हम कोई भी जब खर्चा करेंगे सामूहिक करेंगे। अगर कार में जाएंगे तो हम जितने लोग जाएंगे उसको उस जो ना खर्चे को बांटेंगे। किसी के घर में रुकेंगे तो भी हम जैसे कि हमारी पुरानी प्रथाएं हैं कि हम किसी भी घर में जाते हैं आज भी घर में जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ सामान लेकर जाते हैं, कोशिश करते हैं हम कोई सामान लेते हैं जैसे हमारी कैपेसिटी होती है जो उतना हम सामान लेके जाते हैं। किस लिए लेके जाते हैं, इसलिए लेके जाते हैं कि मैं उनके घर में जाऊंगा ताकि उसका खर्च करूंगा, कमरे में रहूंगा या वहां रात बिताऊंगा। तो इसलिए लेकिन संघ ने एक फैसला बहुत ही अच्छा फैसला लिया है जो कि हमें शुरू में अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन बाद में इस कंसेप्ट की तरफ गए तो हम वहां जो है ना जब उस घर में जाएंगे रुकेंगे अगर हम सामान कुछ ले गए हैं वो ठीक है, अगर नहीं आते आते वक्त जैसे हम बच्चों को भी पैसा देते हैं घर में कोई बुजुर्ग होता है उसको भी पैसा देते हैं तो वही हम उस पैसे को आप आगे से एक लिफाफे में डालकर मान सम्मान के साथ उनको हम दे सकते हैं। ये हम ये जो संघ के नियम जो थे वो नियम पहले से आज भी लागू है लेकिन हम उसको जो ना दूसरा रूप धारण कर लिया। उस वजह से जो ना लोगों में जो ना घरों में ठहरना या ठहराना बंद कर दिया लेकिन जिसकी कंसेप्ट आया होटल का कंसेप्ट आया कमरों का कंसेप्ट आया
इससे हमारा भाईचारा भी बढ़ेगा। जैसे कि हम किसी घर में जाते हैं तो आपस में परिवार से मिलते हैं, परिवार से मिलने के बाद जो है ना आपस में जान पहचान होती है, तो उस वजह से जो है ना हमने इस कंसेप्ट को भी आगे बढ़ाने का काम किया। जहां तक विद द पीपल या समाज के जो संवैधानिक अधिकार थे, दिन प्रतिदिन हमारे जाते रहे, जो भारत के संविधान बाबा साहब ने अथक प्रयास करके भारत का संविधान दिया, और संविधान में जो जो अधिकार दिए गए वो आप देखते होंगे दिन प्रतिदिन हमारे खत्म हो रहे हैं। जैसा कि बाबा साहब ने कहा कि ये कारवां मैं बड़ी कठिनाइयों से लेकर यहाँ तक आया हूँ, उसके तो इस कारवां को जहां मैं लेकर आया हूँ उसको वहां तक रोकने का प्रयास करना, अगर ना हो कम से कम उस कारवां को पीछे मत जाने देना। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि वो कारवां हमारा पीछे जा रहा है दिन प्रतिदिन, हमारे संवैधानिक अधिकार हर फील्ड में कम हो रहे हैं, थोड़ा सा खाना शुरू करेंगे। उस वजह से जो है ना हमारे जो संगठन है, हमारे जो राजनेता है, हमारे जो बड़े बड़े अफसर हैं, आप देखेंगे कि जो ना राजनेताओं की चलती नहीं है, उनको मुंह के ऊपर जो ना ताले लगे हुए हैं, वो बोल नहीं सकते। अधिकारियों की हमारी अगर कोई काम करना चाहता है उनको काम करने नहीं दिया जाता। इसका कारण केवल यही है कि हम संगठित नहीं है। जो संगठन है, जो छोटे छोटे संगठन है, जो जातियों के संगठन है, एक एक जाति के जो ना लाखों संगठन बन चुके हैं, और वो संगठन केवल अपना जो ना मौसमी मेंढक है, और मौसमी मेंढक का मतलब ये है कि जो मौसम जब दिन आता है, जयंती आती, जयंती मना ली, या छोटे मोटे किसी के ट्रांसफर के लिए चले गए, या कि छोटे मोटे काम के लिए चले गए, और वहां जो ना मैं देखता हूँ कि मंत्रियों के कोठियों के ऊपर ऐसे ऐसे जो ना बैठते हैं जैसे हमने भीख मांगनी हो, आपकी बात नहीं सुनाई दी जाती, या हम बिचौले लेकर जाते हैं। ये क्या कारण? अपना मंत्री के पास भी हमने बिचौलों की जरूरत है, दूसरे मंत्रियों के पास जाते हैं तो वो कहता है कि आप अपने मंत्रियों के पास जाओ, हम अपने मंत्रियों के पास जाते हैं उसकी हिम्मत नहीं होती। तो जितने भी इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि हम संगठित नहीं है, इसलिए हमने संघ में इकट्ठा होकर जो है ना काम करेंगे। तो ऑटोमेटिक जैसा कि 2 अप्रैल को जो है ना 2 अप्रैल 2018 को हम बगैर नेता के, बगैर किसी जो है ना आह्वान के इकट्ठे हुए, रोडों पर आए, जो आपका जो SC ST एक्ट जो बदल दिया था सरकार ने, उसको वापस करने में मजबूर हुआ। इसलिए मैं जो 13% रोस्टर था उसके ऊपर भी यही हुआ, लोग बाहर आए, उसको मानना पड़ा। इसलिए गुरु रविदास मंदिर तोड़ा गया, पूरे देश में जो ना दलितों को इकट्ठा हुआ, उस मंदिर का जो ना फिर वापस सारी पार्टियां ये कहने लग गई कि हम जो ना आपका मंदिर बनाने के लिए तैयार है, और उसका आह्वान किया। कारण क्या है? इसका कारण केवल यही है कि हम संगठित होते होंगे, हम इकट्ठे होकर अगर चलेंगे तो आपको बगैर मांगे भी चीज मिलेंगी। जैसे कि हरियाणा के अंदर आप देखते होंगे जाटों ने जो है प्रेजेंट सरकार को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आज भी मंत्रिमंडल में उनका पूरा दबदबा है। क्या कारण है? वो संघ में है। जैसे किसानों का भी एक बहुत बड़ा फैसला हुआ, किसान केवल बैठे रहे, 8-10 संगठन मिलकर जो है उन्होंने कोई भी नेता नहीं बनाया, एक समूह बना लिया, 15-20 आदमी की कमेटी बना दी, ये कमेटी निर्णय लेगी। तो ये आप मान सकते हैं जो सरकार हिट बनी हुई थी, जो सरकार जो ना पीछे मुड़ने के लिए तैयार नहीं थी, 3 जो कृषि कानून जो गलत मानते हैं उनको सरकार को वापस करना पड़ा। इसलिए संघ में एक बहुत बड़ी शक्ति है, और जो संघ जो हम 8 लगभग जो ना ये विद द पीपल का जो समन संघ है, हम लगभग 8.5 महीने हो गए लगातार शाम को जो इकट्ठा जूम पर होते हैं, और एक ऐतिहासिक कार्य हमारा हो रहा है कि आज तक इतनी लंबी मीटिंगें मुझे नहीं लगता कि इंडिया में, भारत में कोई मीटिंग चली हो। इसमें देश से नहीं, विदेशों के लोग भी जो है इस समन संघ को जो है बड़ा लाइक कर रहे हैं, इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारे लोग जो किसी पार्टी और संगठन से जुड़े नहीं हुए हैं, या किसी संगठनों में काम कर जो ना उन्होंने देख लिया कि रिजल्ट नहीं आ रहे, इस समर संघ का इतनी प्रशंसा करते हैं कि हम रात को जो ना नींद आते हुए भी जो ना अगर होते हैं तो हमारी नींद उगड़ जाती है। शाम को भी देखते हैं, सभी साथी बोलते भी हैं, वो भी ये कहते हैं मीटिंग में जो ना वेट करते रहते हैं कब मीटिंग ओपन होगी। तो इसलिए इसी संघ का जो ना चारों तरफ पूरे देश में या विदेश में प्रशंसा होने लगी है। मैं तो साधुवाद करता हूँ कि हमारे साथियों ने जो हमने पिछले जो ना लोगों ने मिलकर जो ने मन में आया कि हम इस प्रकार का ग्रुप हो। ये क्यों आया? ऐसा इसलिए आया कि हम जो काम कर रहे थे जिन संगठनों में दिन रात चल रहे थे, दिन रात मैं रात को 4 बजे उठकर जो ना मीटिंग में भागते थे, रास्ते में बैठ के खाना खाते थे, कभी गाड़ी रोक के खाना नहीं खाया, गाड़ी में चलते चलते खाना खाया, फिर वापिस रात को जो ना 3-4 बजे आए, लगातार लग रहे थे, शायद लग रहा था कि हम बहुत काम कर रहे थे, लेकिन पढ़े लिखे होने की वजह से हमने देखा कि जो अधिकार है हमारे मिलने की बजाय खत्म हो रहे हैं। तो क्या कारण है? तो कुछ साथियों ने हम दिल्ली में बैठकर
हमने ये निर्णय ये सोचा कि भी हम जो काम कर रहे हैं वो कहीं पॉजिटिव में नहीं जा रहा, हमारे अधिकार नहीं बच रहे, हम दिन प्रतिदिन पीछे जा रहे हैं, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे आपका जो ना दूसरे संवैधानिक अधिकारों का मामला, चाहे आपके मान सम्मान का मामला हो, आपके बच्चों के एजुकेशन का मामला हो, इस देश का जो निर्धारित बजट का खर्च करने का मामला हो, या एट्रोसिटी जब भी अत्याचार होता है उसके ऊपर निर्णय का मामला हो, या FIR दर्ज करने का मामला हो, इन तमाम तरह की चीजें दिन प्रतिदिन आपके साथ अन्याय हो रहा था। तो इसलिए सोचा गया कि क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसलिए इस संघ जो हमारा पूर्ण जो ना पहले इतना ज्ञान नहीं था कि हमारा कोई संघ पुराना इतना पुराना था, लेकिन संगठन होने की बात थी, तो संगठित होते होते ये चीज आई कि भी संघ भी हमारा कोई संघ होता था, और जो ना हमारा जो संघ था दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया। तो इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ उस देश के सभी SC ST OBC के लोगों को कि आप समर संघ में आए, अपनी ईगो छोड़े, आप अपना प्रधान पद छोड़े, आप जो ना लाखों रुपये खर्च कर कर करके जो जो हम मनुवादी कर करके दूसरे लोगों को जो ना ताकतवर बनाते रहे, केवल 5% लोगों को 10% लोगों को हम ताकतवर अपनी बातों से करते रहे। आप जगह जगह देखेंगे आप बहुल बहुमत में होते हुए भी आप लोग जो है ना पिट पिटाई दिख रहे, पेड़ों से पीट बांध कर पीटा जा रहा है, आपकी बात सुनाई क्यों नहीं दे रही, क्योंकि आप लोग संगठित नहीं, आप संघ में नहीं है, आप एक दूसरे की जैसा कि टांग खींचते टांग खींचने, तो संघ में टांग किसकी खींचेंगे, संघ में टांग है ही नहीं, संघ में कोई पद है ही नहीं, संघ में कोई पैसा है ही नहीं, संघ में मान सम्मान की बात कोई है नहीं, मान सम्मान क्योंकि ये जो ना एक विशेष आदमी को मान सम्मान होगा तो सबका होगा, चाहे वो कोई अनपढ़ है, चाहे शिक्षित है, चाहे जो ना कोई बड़ा पैसे वाला है, चाहे बगैर पैसे वाला, हमारे लिए सब सम्मान है, या कोई छोटा बड़ा नहीं है, या कोई जाति नहीं है, सारे सारे एक ही जाति के लोग हैं, सारे बाबा साहब के अनुयायी हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं, हमारे महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, यहाँ कोई किसी कोई आदमी कहे कि जो ना यहाँ किसी जाति का भेदभाव है, यहाँ कोई जो ना ऊंच नीच है, यहाँ कोई जो ना बड़ा बड़ा और छोटा है, यहाँ ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, या ज्यादा जो ना हिंदी फराटे से बोलने वाले हैं, या मराठी बोलने वाले हैं, सभी लोगों का मान सम्मान है। ये एक जो बगीचा है, इस बगीचा जो समण संघ है, इस धरती के ऊपर जब चद्दर बैठ के हम बैठ जाएंगे, सारे बराबर हो जाएंगे, और सारे बराबर हो जाएंगे तो मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि जो ना जो राजनीतिक पार्टियां वो आदमी आपका ऑटोमेटिक काम होंगे, इस देश के जो संवैधानिक अधिकार आपको मिलने आरंभ हो जाएंगे, जो संविधान आपका खतरे में जो ना है, कुछ साथी संविधान की किताबें लेकर बांटते हैं उसको बड़ा काम मानते हैं, चार नारे लगा दिए तो उसको बड़ा काम मानते हैं, अरे भैया पीछे मुड़के तो देखे कि उसका रिजल्ट क्या आया, हम कहां से कहां जा रहे हैं, हमने इस देश के राजा थे, हम कभी भी हम जो ना अछूत नहीं थे, हम अछूत थे इस देश का, जैसा कि अछूत जो ना छूने वाले लोग थे, तो उसी संस्कृति को हमें पूर्ण जीवित करना है, और हम उस संस्कृति को अगर जीवित इसी तरह हमारा ये संघ चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि हम जो चीजें जो हमारा पुराना जो राजपाट था उस राजपाट में भी आएंगे, हम विकास भी होगा, हर जगह मान सम्मान भी होगा, हमारा भाईचारा भी बढ़ेगा। तो इसलिए जुड़ेंगे जीतेंगे, जब जब जुड़ेंगे जब जब जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे। तो इसलिए जुड़ने का पहले हम जुड़े और फिर जो ना आगे बढ़े, जैसा कि कुछ साथी कहते हैं कि जो ना पहले से ही समण संघ की कुछ बातें बताना जरूरी है, लेकिन संघ में इसको पहले मीटिंग में जो साथी बैठे हैं उस मीटिंग में ज्वाइन कराएं, ज्यादा ज्यादा लोगों को अपने ग्रुप बनाएं, जैसा कि मैं कई दिन से एक अपील कर रहा हूं संघ के सामने कि हम चलो गांव की तरफ, शहर वाले चलो गांव की तरफ, अब हमने इस गांव को जितने साथी बैठे हैं गांव में ज्यादा ज्यादा लोगों को इसको बताया जाए और जो है इसका प्रचार प्रसार किया जाए, जहां भी जैसे बैठे वही हमने इसकी चर्चा करते रहना चाहिए, जो तथाकथित हम जो मनुवादी और ब्राह्मण कहते हैं वो कहीं भी बैठेगा, चाहे खुशी में बैठेगा चाहे गमी में बैठेगा, वही अपनी बात करेगा और हम अपनी बात को चुप होकर बैठ जाते हैं। इसलिए आपके पास एक बहुत ही गौरवमय इतिहास आपका रहा है, आपके जो ना महापुरुष इतने शानदार तरीके से जीवन यापन करके गए हैं और अपना जो शिक्षा के मामले में या विद्वता मामले में आपके कोई भी पुरखे जो ना कमजोर नहीं थे, इसलिए आप किस बात से कमजोर है, किस बात से जो ना जो अछूत जो कहते हैं जो है ना वो नहीं है, इस देश के राजा थे और राजा बनने के लिए या इस देश में सभी का हक अधिकार दिलाने के लिए हमने समण संघ में जुड़ना होगा, हम एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, इसी में जो हमारी जीत होगी। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।
आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Singam Sirunam Gacchami.